मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा इन दिनों लगातार घर के मामले में धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, अगर लोग रेंट पे या हैवी डिपॉजिट पे घर लेते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी के मामला सामने आता है और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले गिरफ्तार नहीं होते हैं क्योंकि वे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एफिडेविट बनाते हैं जो कि जिसका उपयोग हम कोर्ट में भी जल्दी नहीं कर सकते हैं न उसे साबित कर सकते हैं। ऐसी एक मामला कुर्ला का सामने आया है। हमारे साथ में विक्टिम आमिर मौजूद है। आइए आमिर से डायरेक्ट जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से उनका धोखाधड़ी हुई। आमिर भाई, किस तरीके से आपका धोखाधड़ी हुई, कैसे आपने रूम लिया था, क्या हुआ था? मेरा एक फ्रेंड है पंकज करके, उसके थ्रू मैंने रूम लिया था। तो सामने वाला जो एजेंट है उसने मेरे से 80,000 रुपया डिपॉजिट लिया था और रूम मालिक को उसने 20,000 रुपया दिया और 60,000 रुपया उसने यूज किया मेरा पैसा। जब उसने एग्रीमेंट बनाया दो, एक 20,000 का बनाया, एक 60,000 का बनाया, तब मैंने उसको जाके पूछा कि बोला जो तूने बीच का एग्रीमेंट बनाया, बोला इसमें बोला तेरे को 80,000 रुपया दिया, 60,000 का है, बोले वो 60,000 मैंने यूज किया हूँ। उसके बाद में बोला उसको मेरा जो पैसा है वो रिटर्न दे, बोले मेरे से खर्चा हो गए, जो आपका रेंट है ना, बोले वो रूम का मैं भरूंगा। उसने एक कंटिन्यू 2-3 महीना भरा। उसके बाद मैं उससे रेंट मांगने गया तो रेंट मांगा तो उसने मेरे को बोला कि अभी है नहीं मेरे पास, मैं करके देता हूँ। तो उसने फिर भी मेरे को 1-2 महीना घुमाया। उसके बाद में मैं उसको बोला मेरा पैसा मुझे वापस कर दे, फिर भी उसने मुझे पैसा नहीं दिया। उसके बाद बोला कि आपका जो पैसा है मैं आपको भेज दूंगा, मैं गाँव जा रहा हूँ। तो गांव जाने के बहाने से गया, फिर मेरे को कॉल किया और कॉल करके अभी तक उसने मुझे कुछ पैसा भेजा नहीं और अलग अलग नंबर से कॉल करके बोलता मैं आज भेज रहा कल भेज रहा, खाली घुमा रहा। उसके बाद कॉल वगैरह चौकी गया था पर कुछ ऑप्शन नहीं लिया, वो बोले कि जो आपका चेक है बोले वो वहां जैसे वो करवाए, नोटिस भेजिए चेक पे। उसने मुझे एक चेक दिया था ब्लैंक और 60,000 का एक एग्रीमेंट दिया था। क्या नोटिस दिया? नोटिस नहीं, चौकी वाले बोले कि नोटिस भेजने के लिए कि तुम नोटिस भेजो। हाँ, कोर्ट से नोटिस भेजो। हाँ, वॉटर रीड करके। क्या वकील के थ्रू आपके धोखाधड़ी किया? अनुराग श्रीवास्तव। कहाँ पर घर ले रहे थे? नवी मुंबई खारगर सेक्टर 35। तो इसमें और भी कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो इसका शिकार हुए? हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिकार हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो क्या अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मेरा यही मांग है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि उसकी कंप्लेंट हो जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जो अनुराग है वे किस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। हालांकि इन्होंने तो हैवी डिपॉजिट के लिए पैसा दिया था मगर अनुराग ने 2 पैसे कमाने के लिए इनका हैवी डिपॉजिट रख लिया और 20,000 भाड़े पर उसने रूम लेके था और उसके बाद में 2 या 3 महीना इनको पैसा दिया, जिसके बाद में ये जब 3 महीना इनसे पैसा मांगने आते हैं तो इनका जो बचा हुआ रकम रहता है 80,000 रुपया वे पूरी तरह से वे ऐड जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब ले लेते हैं वे और इसे लौटाते नहीं है। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले को लेके प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करता है या इसी तरीके से एक फ्रॉड करने वाले को खुले में छोड़ देता है। कैमरा पर्सन अफजल शेख के साथ जैन से मुंबई टीवी।